आज फाल्गुन कृष्ण तृतीया मंगलवार 27 फरवरी 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। आज की प्रस्तुति में कुछ विशेष विषय भी हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तस्वीर में दृश्यमान महानुभाव श्रीनाथ जी मंदिर के पदाधिकारी हैं। संदर्भ यह है कि कल इन्होंने विशेष जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि हाल ही में प्रभु श्रीनाथ जी में अंबानी परिवार द्वारा अधिक का 56 भोग अंबानी परिवार की मुखिया कोकिलाबेन अंबानी के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था। इस अवसर पर रिलायंस परिवार के श्री मुकेश अंबानी ने प्रभु श्री जी में जीर्णोद्धार एवं पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसार हेतु 5 करोड़ रुपए भेंट स्वरूप प्रदान किए। साथ ही प्रभु श्री जी को स्वर्ण का एक विशेष हार भी भेंट किया। इसके साथ ही चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने मुकेश अंबानी के साथ में कई नए प्रकल्पों के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें उल्लेखनीय रूप से नाथद्वारा को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य बताया। दोस्तों, इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में वसंत भाग धमार और होरी की सेवाएं चल रही हैं। श्री जी में भी दर्शन करने आते हैं आप, और अन्य हवेलियों में भी दर्शन करने जाते हैं। गुलाल में सराबोर भी होते हैं और आनंदित भी होते हैं। आप जो दर्शन करते हैं, क्या उसके भावों को आप समझते हैं? जो वैष्णव हैं और सेवा से जुड़े हुए हैं, वे निश्चित ही समझते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, दैनिक जीवन के उलझनों में उलझे हैं, उन्हें शायद इन भावों का पता न हो। आइए थोड़ी सी जानकारियां साझा करते हैं, ताकि अगली बार जब आप प्रभु श्री जी के इन दिनों के दर्शन करने जाएं, तो वहां होने वाली प्रक्रियाओं के भावों को समझकर प्रभु दर्शनों को आत्मसात कर आनंद ले सकें। सबसे पहले तो यह जान लें कि प्रभु श्री जी में केवल चौवा, चंदन, गुलाल और अबीर से ही खेल होते हैं, अर्थात केवल इन वस्तुओं से ही प्रभु को खिलाया जाता है। क्या इन वस्तुओं से प्रभु को खिलाने का कोई क्रम है? जी हाँ, निश्चित ही है। सबसे पहले प्रभु को चंदन से, फिर गुलाल से, फिर अबीर से और अंत में चौवा से खिलाया जाता है। इसके पीछे भाव क्या है? प्रथम जो चंदन से खिलाया जाता है, उसमें स्वामिनी जी का भाव है, जिसके रस रंग में प्रभु रंग जाए और उनका अनुराग बढ़े। फिर गुलाल से प्रभु को खिलाया जाता है, क्योंकि प्रिया प्रीतम की रस लीला को यही गुलाल यश स्वरूप प्रसारित करती है। यह हम देखते भी हैं कि गुलाल किस प्रकार से उड़ती है और अपने भक्तों पर प्रभु का यही रस आशीर्वाद बनकर गिरता है। फिर प्रभु को अबीर से खिलाया जाता है, जो श्री चंद्रावली जी एवं श्री ललिता जी के भाव से है। इनके भाव से अनुराग स्थापित होता है और फिर इसमें ओतप्रोत कर देने वाली श्री यमुने महारानी जी के भाव से चौवा से खिलाया जाता है। फागुन के धमार की इस रस क्रीड़ा के पूर्व प्रभु के चरण ढक दिए जाते हैं, झारी, बंटा, गादी आदि भी ढक दिए जाते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है?
क्योंकि फाग की धमार और होली उत्सव के इस खेल रस में आनंद तभी आता है जब समान अधिकार हो। यह हम लौकिक में भी देखते हैं, क्योंकि यदि स्वामी सेवक अथवा परब्रह्म के चरण दर्शन की भावना बन आएगी तो क्रीड़ा रस में न्यूनता आ जाएगी। यही कारण है कि प्रभु के श्री चरण ढक दिए जाते हैं ताकि प्रभु के साथ सख्य भाव से खेल सकें। वहीं झारी बंटा श्री यशोदा जी एवं ब्रज भक्तों के भाव से हैं। वे लीला रस में मोहित हो जाएं इसलिए इन्हें ढक दिए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी में इस उत्सव की विलक्षणता देखिए। प्रभु के सम्मुख दोनों तरफ छड़ी, माला, पिचकारी आदि रखे जाते हैं, जिसका भाव यह है कि श्री स्वामिनी जी स्वयं भी ब्रज भक्त के रूप में पधारती हैं और जब तक यह खेल होता है तब तक दर्शन देती हैं। अर्थात इस समग्र प्रक्रिया में सख्य भाव प्रमुख है और तभी फागुन की धमार और होली का उत्सव का आनंद आता है। अच्छा, एक दर्शन आपने और किए होंगे, राजभोग आरती में पुष्प वृष्टि होती है। इसमें भाव यह निहित है कि प्रभु की इस रस लीला के दर्शन करकर देवगण यह पुष्प वृष्टि करते हैं, अर्थात देवगण प्रभु की इस रस लीला में शामिल नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा भाव और भी है। यमुने महारानी जी आरती में पुष्पांजलि अर्पित करती हैं, ऐसा भी भाव है, क्योंकि केवल श्री यमुने महारानी जी ही हैं जो रसदान प्रदान करती हैं। बसंत के 10 दिनों में पिचकारी नहीं आती है, न ही कटी पर पोटली धरी जाती है। इसके अलावा प्रभु की साज सज्जा में पिछवाई पर जो चिड़िया जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं, गुलाल, अबीर, चंदन आदि से। आइए इनके साथ कुछ और विशिष्ट क्रमों का भाव भी जानते हैं। फागुन के इन दिनों में जब आप प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं तो उनके कपोल पर गुलाल लगाई जाती है। उल्लेखनीय यह है कि प्रभु श्री जी के कपोल पर यह अनुराग के भाव से लगाई जाने वाली गुलाल एवं अबीर फागुन के माह में ही लगाए जाते हैं, वसंत में नहीं लगाए जाते हैं। इसके साथ ही आपने दर्शन किए होंगे कि प्रभु श्री जी की पृष्ठ भाग में जो पिछवाई धराई जाती है वहां पर चंदन, गुलाल एवं अबीर से कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। यह विशेष आकृतियां चिड़िया के जैसी होती हैं। पिछवाई में उकेरे जाने वाली इन आकृतियों की कुछ विशेषताएं साझा करते हैं। जो चंदन का प्रयोग किया जाता है वह पिछवाई के वस्त्र में आर्द्रता के लिए किया जाता है, अर्थात चंदन प्रभु की पिछवाई में छांटा जाता है पिचकारी से अथवा हाथों से। इसके पश्चात पिछवाई पर गुलाल की चिड़िया मांडी जाती हैं। भाव यह है कि निकुंज नायक निकुंज में लीला करते हैं, अर्थात यह नंदालय की लीला नहीं है, यह ब्रज के भाव की, ब्रज में स्थित हरिदास वर्य श्री गोवर्धन में स्थित द्वादश निकुंजों में होने वाली लीला है, अर्थात होली खेल की यह लीला निकुंजों में होती है। अब प्रभु श्री जी एवं पुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली का की अद्भुतता देखिए कि प्रकृति के साथ कितना गहन जुड़ाव है इसका। आप कभी बाग बगीचों में गए हो तो वहां पर आपको पक्षियों का कलरव सुनाई देगा, उनमें भी चिड़ियों की चहचहाट विशेष होती है। इसी भाव से निकुंजों में भी चिड़ियों की विशेषता है। और विशेषता क्या है? ये चिड़ियाएं श्री स्वामिनी जी की सेवा की साधिकाएं हैं। तो प्रभु श्री जी जहां विराज रहे हैं वहां पर इनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहती है, अर्थात प्रभु श्री जी के जब आप दर्शन कर रहे हैं तो भावना यह है कि निकुंज में प्रभु श्री जी होली की लीला कर रहे हैं और उसके आप दर्शन कर रहे हैं। जैसा वहां पर माहौल अथवा वातावरण होना चाहिए उसका यहाँ इस प्रकार से चित्रांकन किया जाता है। यह तो हम जानते ही हैं
कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का में कीर्तनों का बहुत अधिक महत्व है, वे आधार हैं प्रभु की सेवा का, उसमें भी यह भाव निहित है। देखिए कुछ, जैसे जगाने के पद में चिड़ियन की चहचहान सुनी जागी प्रात दुल्ही, या चिड़िया चहचहानी सुनी चकई की वाणी, या खिलाने के समय पर आओ चिरैया आओ खुमरैया ग्वालन लेत बुलैया, ये कीर्तन दर्शाते हैं कि प्रभु को चिड़िया प्रिय है। इसके आगे अबीर की होलाष्टक में चिड़ी मांडी जाती है, वरना बूंदा चौवा की टिपकी एवं लहर ही बनाई जाती हैं। इसके पीछे भी एक भाव है, श्री यमुना जी की सेवा में श्री श्याम सुंदर रोम रोम में टिपकीवत विराजमान है। अतः अब जब भी आप प्रभु श्री जी के खेल के दर्शन करें तो इन भावों को अपने मन में रखें, ये भाव आपको श्री जी के दर्शनों का अनुपम आनंद प्रदान करेंगे। श्री जी की सेवा प्रणालिका में होलिका उत्सव के और भी कई भाव निहित हैं, आगे इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को ऋतु की अनुकूलता और तत्सुख की भावना के साथ धमार के भाव से गुलाल की चोली का श्रृंगार धराया गया है। ब्रज की गोपियों के साथ प्रभु श्री जी के फागुन एवं होली खेल की इसमें भावना है। इसका कोई नियत दिन नहीं है, लेकिन फागुन में यह चोली का श्रृंगार धराया जाता है। विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के चरणारविंद में दंडवत करते हुए आइए प्रभु दर्शन करें। श्री चरणों में प्रभु को आज लाल रंग के मोजा जी धारण करवाए गए हैं। मोजा जी के साथ प्रभु को आभरण से मिलवा पेंजनिया एवं नूपुर धराए हुए हैं, और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर सदैव की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से कपोल पत्र मांडे गए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अनूठे आकर्षण से सम्मोहित कर रही है, और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर होली खेल की भावना से गुलाल की चिड़िया एवं चंदन का सुंदर खेल किया है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है, तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की त्रष्टि जी धरी हुई हैं। आज प्रभु को रंगों के सुंदर संयोजन के वस्त्र धराए हैं, आइए दर्शन करें। सभी वस्त्र प्रभु को आज हरे रंग के लट्ठा के धराए हैं, लेकिन चोली आज विशेष है। हरे रंग के वस्त्रों में प्रभु को आज सूथन और घेरदार वागा धराए गए हैं। चोली प्रभु को लाल रंग की गुलाल की धराई गई है, तो ठाड़े वस्त्र आज पीले धराए हैं। इन सभी वस्त्रों पर
गुलाल, अबीर एवं चंदन से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। वहीं सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित लाल रंग का कटीपटका धराया गया है। श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा अर्थात कमर तक का फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण आज फागुन के स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो लाल रंग की हरी खिड़की वाली छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच और लाल रंग का रेशम का जमाव का कतरा धराया गया है, साथ ही शीश फूल तो धराए ही हैं। पाग को भी गुलाल, अबीर एवं चौवा से खिलाया गया है। श्री कर्ण में प्रभु को आज फाल्गुन के आभरण से मिलवा कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, पीले और लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। श्री कंठ में प्रभु को त्रवल की जगह आज कंठी धराई गई है। प्रभु के श्री हस्त में आज पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण के वेणु जी और कटी पर वैत्र जी धराए गए हैं। पुष्प छड़ी के साथ प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर सुंदर छोगा भी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी आज चांदी वाली होती है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में आनंद राय खेलें फाग, राजभोग में अष्टपदी तो होती है रिझवत रसिक किशोर को, आरती में गोरी गोरी गुजरिया भोरी सी, शयन में कमल नयन को कौतुक, पोड़वे के पद में खेलत खेलत पोढ़ी श्री राधे कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। इन दिनों मान के पद नहीं गाए जाते हैं। राजभोग के दर्शनों में प्रभु श्री जी के चरणारविंद वस्त्र से ढक दिए जाते हैं ताकि प्रभु श्री जी अपने ब्रज भक्तों के साथ सख्य भाव से फागुन आनंद से खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं, परंतु आज धराई गई गुलाल की चोली नहीं खोली जाती है। श्री मस्तक पर लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। भोग सेवा में राजभोग पश्चात प्रभु श्री जी को खेल के साज अरोगाए जाते हैं, जिन्हें उत्थापन दर्शनों से पहले सराया जाता है। अब धमार की सेवा चल रही है, अतः राजभोग में पोटली से गुलाल उड़ाई जाती है, जिससे सराबोर हुए वैष्णव अभिभूत दिखाई देते हैं। जय श्री कृष्ण।
अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के मंदिर कांकरोली से हैं। संदर्भ यह है कि गतकल गोस्वामी श्री ब्रजभूषण लाल जी के उत्सव के अवसर पर यहाँ गुलाल कुंड का मनोरथ हुआ और सायंकाल में राल के दर्शन हुए। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी में फागुन के माह में राल के दर्शन होते हैं और प्रथम दर्शन श्री ब्रजभूषण लाल जी के उत्सव से प्रारंभ होते हैं। इसी क्रम में गोस्वामी श्री वेदांत कुमार जी ने संध्या काल में राल उड़ाई और यहाँ पर स्थानीय निवासियों सहित वैष्णवजन बड़ी संख्या में यह दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। पुष्टि सृष्टि के अन्य द्वारिकाधीश जी के मंदिरों में भी राल उड़ाई जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
रस सागर मगन भाई रस सागर मगन भाई रस सागर मगन भाई रस सागर कहत कहीं नहीं जात कहत कहीं नहीं जात सुनो सहेली हो जाए हवन काज भयो जाए सुनो सहेली आए सुनो सहेली आए कमल नयन के को दास श्याम सुंदर प्रेम पताय सुंदर प्रेम छिन छिन ग्वाल विचार छिन छिन ग्वाल विचार छिन छिन ग्वाल विचार छिन छिन भयो जाए भवन काज भयो जाए सुनो सहेली आए कमल नयन के पोतो कमल नयन के पोतो सुनो आज हमारे आए आज हमारे आए आज हमारे आए आज हमारे आए नख सिख भेष बनाए नख सिख भेष कमल नयन के कमल नयन के कमल नयन के कौतुक सुनो सहे। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।